हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये हमारा वैकेंसीज आपको पता ही है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल्स, जो इसके पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, न्यूज़पेपर में जो इन्फॉर्मेशन निकली थी, बट अब ये वैकेंसीज एकदम जो है कंफर्म हो चुकी है। बहुत जल्द आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन, मतलब फॉर्म भरना जो है सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। बट उसके पहले देखिए, इसमें जो पहली वैकेंसीज आई थी 10,000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, और इसका जो है ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है। ये परमानेंट है, पहले बता देती हूँ, परमानेंट टीचर की वैकेंसीज है। दूसरी चीज़ की ऑल स्टेट, मतलब स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, जैसा केंद्रीय विद्यालय है ना, ट्रांसफर होते रहते हैं, सेम इसमें भी ऐसा ही है। मे बी कि आपका सिलेक्शन आपके ही स्टेट में भी हो सकता है, तो हर स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती है किस स्टेट में कितने पोस्ट हैं। और जो इसके पहले वैकेंसीज थी, इतना फास्ट ये प्रोसेस हुआ कि एग्ज़ाम भी हो गया, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है, और उसकी तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे। कुछ लोगों का जो है 0.5 से, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, 0.5 से रुक गया, किसी का एक नंबर से रुका होगा। तो ये एक तरीके से आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप तैयारी कर ही रहे थे कि आपके सामने दोबारा से एक वैकेंसीज आ चुकी है। जो लोग भी नए जुड़े हैं, आप में से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि आखिर ये वैकेंसीज में किस तरीके से पेपर होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, एज क्या है, सब्जेक्ट क्या होगा, कितने पोस्ट पे वैकेंसीज आई है, सारी चीज़ें जितना पॉसिबल हो सका मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, ताकि मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूँ। ये वैकेंसीज एक तरीके से कहा जाए तो 38,480 6 से 12 के शिक्षकों के लिए है। और जैसा कि आपको पता है, ये EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो ट्रैवल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो विद्यालय बनाए जाते हैं, वहाँ पर शिक्षकों की जरूरत तो होगी, ऑब्वियसली बात है, पढ़ाने के लिए, तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो वैकेंसीज है जो मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा से बहुत जल्द आने वाला है, इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, एग्जाम भी बहुत जल्द हो जाता है इसमें, तो समय आपके पास उतना रहेगा नहीं। तो अभी अच्छा समय है कि आप पहले इसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लें कि कितने नंबर कहाँ से पूछे जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चाहे आपने सीटेट, आपका पेपर 2 पास हो चुका होगा, आप बीएड हैं, पीजी आपने किया है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों पे आता है, तो ये अच्छी चीज़ है। मान लो किसी का बीएड नहीं होगा तो नॉन टीचिंग में भी अप्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास बीएड होगा तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें वेरियस पोस्ट आते हैं, एक एक करके बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो इसमें बताने वाली हूँ कि पहली वैकेंसीज हो चुकी है, ये इनकी दूसरी वैकेंसीज हैं, और जब इन्होंने बोला था कि दोबारा से हम इसमें वैकेंसीज जो है लेकर आने वाले हैं, तो आप कुछ लोगों को लग रहा था कि पता नहीं इतनी जल्दी कैसे आ सकता है, बट जब स्टेट वाइज वैकेंसीज पूरी डिटेल में आई है तो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, बस इनका ऑफिशियल डिटेल आना बाकी है। तो सेकंड वैकेंसीज है 38,000, इसमें 38,480 है 6 से 12 के लिए है, और 52 पोस्ट होंगे, 52 पोस्ट के लिए है, ठीक है। तो बहुत सारे पोस्ट हैं, मैंने आपको बताया कि नॉन टीचिंग भी है इसमें, तो बेसिकली आप में से बहुत सारे लोग TCT PCT का जानना चाहते होंगे, कुछ लोग लाइब्रेरियन आर्ट टीचर, तो उस पर हम बात करेंगे। पहली वैकेंसीज जो है क्लियर हो चुकी है, तो सीटेट पेपर 2 हो गया, बीएड हो गया, पीजी, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट वाइज होगी तो अलग अलग स्टेट वाइज आपको नंबर देखने को मिल जाएगा, और इसमें पहले हर एक स्टेट का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। इसमें ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है, आपको पता ही है, जैसा केंद्रीय विद्यालय में होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर में एज क्राइटेरिया क्या है। तो जितने भी वुमेन हैं उनको तो 10 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट मैं TCT का बता देती हूँ, TCT जो है 35 है और PGT का 40 है। इसमें कैटेगरी वाइज आपको पता ही है, ये देखिए सेंट्रल का है तो आप अपने ही स्टेट के होंगे, आपका सीटेट में पेपर 2 में, मान लो कोई OBC SC ST का है, उसका 82 नंबर है, आराम से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सेंट्रल वाली जो वैकेंसीज होती है ना, उसमें आप जो अपना आरक्षण जो सेंट्रल वाला हम बनवाते हैं तो उस अकॉर्डिंग आपका वो लग जाएगा। तो मान लो कोई SC ST से है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को जो है 3 साल का है, और महिलाओं को 10 साल का है। तो TCT का 35 है और PGT का 40 है, बाकी कैटेगरी वाले आप इसमें एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, और महिलाएं भी इसमें 10 साल एड ऑन कर सकती हैं। तो ये आपका हो गया एज। बाकी इसमें एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो PGT के लिए आपका वही देखो, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज है, आप जानते हैं PGT हो गया, TCT हो गया, ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज होती हैं, तो विषय से रिलेटेड भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, जो भी सब्जेक्ट होगा आपका, आई थिंक इसमें 2 साल का होता है कि आपका 2 साल होना चाहिए, TCT हो चाहे PGT हो, तो उसमें आपने MA किया है, आपने MSc किया होगा, BEd होगा, BEd इसमें चाहिए PGT के लिए, और सेम TCT में भी आपका BEd चाहिए, सीटेट का पेपर 2, ग्रेजुएशन, या फिर जो आपने इंटीग्रेटेड UG से किया हो, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, सब में कॉमन ही होता है, PGT हो चाहे TCT हो, TCT में आपका ग्रेजुएशन देखा जाएगा, PGT में आपका PG देखा जाएगा, साथ में BEd। हाँ, ये जरूर है कि PGT में आपका सीटेट नहीं देखते हैं, केवल TCT में आपका सीटेट का पेपर 2 देखा जाएगा, तो वो भी आपका देखना होगा कि आपने किस विषय से जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, किस विषय से आपने अपना PG कंप्लीट किया है, उससे आपके विषय, उस विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।
तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई, एज हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको पहले पोस्ट वाइज बता देती हूँ, सारा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि 52 पोस्ट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हुए हैं, बाकी डिटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम पे भेज दूंगी, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन मिलेगा। तो देखो पीजीटी टीजीटी के लिए जो है इसमें प्रिंसिपल की वैकेंसीज हैं 740 के आसपास है, वाइस प्रिंसिपल की भी वैकेंसीज हैं। पीजीटी और टीजीटी, अगर मैं पीजीटी की वैकेंसीज की बात करूं तो 8880, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि केवी से तो ज़्यादा ही है, केवी में तो 6000 के आसपास वैकेंसीज आई थी, यहाँ पर केवल पीजीटी का है 8880, टीजीटी का भी 8880 है। बहुत अच्छा मौका है, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, आप जानते ही हो सेंट्रल वाली आपको सैलरी मिलेगी। म्यूजिक टीचर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 740 है, लाइब्रेरियन का भी 740 है, आर्ट टीचर की भी 740 है, एंड फिजिकल एजुकेशन का जो है वो 1480 है। बाकी की भी जो वैकेंसीज है वो 740 के आसपास ही है जो नॉन टीचिंग वाली है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है मेनली जो चीज़ें आप पूछते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका हो गया एलिजिबिलिटी, ये आपका होगा जो है सब्जेक्ट वाइज मतलब पीजीटी टीजीटी, इस अकॉर्डिंग मैंने आपको वैकेंसीज बता दी। अब ये कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो 150 नंबर का पूछा जाता है, टाइम आपको मिलेगा 180 मिनट, ऑफलाइन आपका पेपर होना है, और 0.25 मतलब 1/4 की इसमें आपको नेगेटिव मार्क्स इसमें देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव तो होगा ही, जैसे कि आपको पता है बीपीएससी में तो हुआ नहीं, बहुत सारे लोग इसी चीज़ से डर जाते हैं तो इसलिए फॉर्म भी नहीं भरते हैं। तो ऐसा मत करना कि इसमें जो है नेगेटिव मार्क्स होंगे तो आप फॉर्म ना भरें, फॉर्म जरूर भरना, वैसे भी बहुत जल्द आपके सामने होगा। तो 180 मिनट का होगा टाइम, 150 नंबर का पेपर होगा। दूसरी चीज़ कि इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होना है, तो अगर आपको केवी जैसा एग्जाम है जिसमें इंटरव्यू से डर लगता है तो आप इसको अप्लाई करो, एक बार एक ही पेपर होना है, इंटरव्यू होना नहीं है। पेपर का मोड आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि इसने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितना मिनट होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसमें कितने कितने नंबर्स के पूछे जाएंगे, तो हर पार्ट वाइज मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आपका जनरल अवेयरनेस है, इसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो टीजीटी में रीजनिंग 10 नंबर का पूछेगा, बट पीजीटी में आपका पूछेगा 20 नंबर का। आईसीटी आपने ये सारी चीज़ें तो पढ़ी ही होंगी, आप केवी की तैयारी कर रहे थे या फिर ईएमआरएस का भी कर ही रहे थे, सारे नोट्स होंगे आपके पास, आपको बस दोबारा से प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। जिसका भी नहीं हुआ है आप उस अपनी गलतियों पे काम कर सकते हैं। आईसीटी का आपका 10 मार्क्स का पूछेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आपके 10 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा सब्जेक्ट वेरिएशन है पीजीटी और टीजीटी में, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी, आप अगर ना समझ में आए तो प्लीज़ आप वॉइस पे ज़्यादा ध्यान देना। जैसे कि अगर मैं आपको पीजीटी की बात करूँ तो सब्जेक्ट से आपके 75 नंबर के पूछे जाएंगे, मान लो आपने पीजी किया है हिंदी से कोई भी विषय हो तो उससे 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे। 5 नंबर का आपका एनईपी से पूछेगा, एंड 5 नंबर एक्सपीरियंस बेस्ड केस स्टडी ऐसे पूछे जाएंगे। तो 75 नंबर आपके सब्जेक्ट से, 5 एनईपी से हो गए, 5 आपके एक्सपीरियंसल से हो गए। दूसरा वही ये आपका पीजीटी का है, बट टीजीटी का मैं आपको बताना चाहूंगी 65 नंबर आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, बस 5-5 नंबर का ऐसा इन लोगों ने एक्सचेंज कर दिया है। अदरवाइज अगर आप देखें तो टीजीटी भी आपका पूरा ओवरऑल 80 नंबर का है, पीजीटी भी 80 नंबर का है, बस ये है कि सब्जेक्ट पीजीटी में 75 का पूछेगा, टीजीटी में 65 नंबर का पूछेगा, 10 नंबर का एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंसल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, एंड 5 नंबर का एनईपी। ये हो गया आपका, ठीक है। इसमें लैंग्वेज आता है, जैसे बीपीएससी में है ना कि आपको लैंग्वेज भी क्लियर करना है, मतलब उसमें पूरे नंबर लेकर नहीं आना है, कुछ नंबर होंगे 40% कंपलसरी होगा क्योंकि इसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं। और अगर इसमें बहुत सारे लोग इसी में इंग्लिश या हिंदी में एक एक नंबर की वजह से फेल हो गए और वो बाहर हो गए, क्योंकि ये क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप पीजीटी में हैं तो आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे लैंग्वेज भाषा वाला, जैसे इंग्लिश से 10 नंबर का पूछा जाएगा और हिंदी से आपका 10 नंबर पूछेगा, तो 40% लेकर आना है, मतलब इंग्लिश में 10 में से 4 नंबर लेकर आना है और हिंदी में भी 10 में से 4, और अगर आप 3 नंबर लेकर आते हैं तो ऊपर वाली कॉपी आपकी चेक ही नहीं होगी, अगर आप भाषा में फेल होते हैं तो। सेम वही है जैसा बीपीएससी में होता है। तो ये पीजीटी का है, तो पीजीटी में आपके 20 नंबर के पूछे जाएंगे, 10 नंबर हिंदी, 10 नंबर इंग्लिश, दोनों में 4-4 नंबर लेकर आना है और दोनों में पास होना है। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में पास हो जा रहे हैं इंग्लिश में फेल हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईच सब्जेक्ट में आपको जो है क्वालिफाई करना है। टीजीटी में यही संख्या बढ़ जाएगी, जहां पीजीटी में लैंग्वेज 20 नंबर का पूछेगा वहीं टीजीटी में ये 30 नंबर का पूछेगा। तो 30 नंबर में आपका जो है इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, कोई भी रीजनल लैंग्वेज ये इसे प्रश्न पूछेंगे, आप इसमें से जहां से भी बिलोंग करते हैं वहां का भी लैंग्वेज ले सकते हैं। तो ये इसमें भी आपको 40% लेकर आना कंपलसरी है। तो ये आपका हो गया, यही जो है ना सबसे मेजर रोल जो है इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखो सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लोगे और गलती से अगर आपका लैंग्वेज में कुछ भी गलत होता है तो ये ऊपर वाली कॉपी चेक ही नहीं होगी अगर आप भाषा में फेल हो जाते हैं।
तो ये थोड़ा सा इनका एग्जाम पैटर्न है। अदरवाइज आप देखो तो अगर आपका सब्जेक्ट में अच्छा अच्छी पकड़ है तो 10-10 नंबर का पूछा है, 10 नंबर का आपका जो है आईसीटी से, 10 नंबर आपका जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड, यही सारी चीज़ें हैं। तो टोटल आपके हैं 150 नंबर, ये सब जोड़ के बनेंगे। तो ये पीजीटी और टीजीटी का मैंने आपको बताया है कि लैंग्वेज में कितने प्रश्न हैं, साथ में सब्जेक्ट में कितने हैं और आईसीटी से कितना आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आई थिंक अब आपको एग्जाम पैटर्न भी अच्छे से समझ में आ गया। ऑफलाइन पेपर होना है, नेगेटिव मार्किंग होगी ही, एंड एलिजिबिलिटी आपको पता चल गया, एज क्राइटेरिया आपको पता चल गया, बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको पता, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है, वो भी हम बहुत जल्द बता देंगे। तो इस वैकेंसीज की आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि 38,480, साथ में अगर आप पीजीटी के लिए, पीजीटी में टीचर बनना चाहते हैं या फिर आप टीजीटी में बनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या फिर म्यूजिक टीचर, लाइब्रेरियन या फिर नॉन टीचिंग, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत जल्दी कंडक्ट होता है, नौकरी भी जल्दी मिलती है। इसमें आपको एक एक साल इंतजार नहीं करना है, और इसका आप रिजल्ट देख ही सकते हो कि पहले वाले में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुकी है। तो ये आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प, आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो कहीं के भी हैं आप इस, जब भी ये वैकेंसीज आएगी आप इसमें अप्लाई जरूर करना, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको अपने स्टेट वालों को ही मौका मिलेगा, ये सेंट्रल वाली वैकेंसीज है जैसा केवी के जैसा होता है, ठीक है। तो अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं इसमें तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा कि आपका पीजीटी में क्या विषय है, टीजीटी में क्या विषय है, उस अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। और ये कॉमन जो सब्जेक्ट है ये तो पीजीटी को भी पढ़ना है, टीजीटी को भी, बाकी नॉन टीचिंग को भी, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे भी बहुत जल्द वीडियो आने वाली है, क्योंकि सेम जैसा पुराना वाला नोटिफिकेशन था ना, इसमें भी डिक्टो वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।